चलिए अब हम आपका एक कॉन्सेप्ट टेस्ट कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि इन चारों बॉन्ड्स में से किस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। तो वीडियो को यहाँ पर पॉज करिए और 2 मिनट का समय लेकर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सोचिए। आई होप आपने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लिया होगा। तो चलिए देखते हैं कि इनमें से किसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। इन चारों में से कार्बन का एटॉमिक साइज सबसे छोटा होता है, जिसके कारण कार्बन कार्बन के बीच बने हुए बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ भी बहुत ही कम होती है। और हमने यह पढ़ रखा है कि बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो जिसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। इस तरह से हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, कार्बन कार्बन बॉन्ड। आई होप आप इस प्रॉब्लम को समझ गए होंगे। चलिए अब तक हमने इस टॉपिक में जो भी पढ़ा है उसको समराइज कर लेते हैं। यदि हम ग्रुप 14 एलिमेंट्स के एटॉमिक साइज का ऑर्डर देखते हैं तो वह हमें कुछ इस तरह से मिलता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर हमें कुछ इस तरह से मिलता है और हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ट्रेंड कुछ इस तरह से मिलता है। इसके बाद हमने इन एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ा, जिसमें एलिमेंट्स इस तरह के मोनोऑक्साइड बनाते हैं। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल नेचर का होता है, सिलिकन और जर्मेनियम के मोनोऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं, वहीं टिन और लेड के मोनोऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। यदि हम ग्रुप 14 एलिमेंट्स के डाइऑक्साइड्स की बात करें तो इसमें कार्बन, सिलिकन और जर्मेनियम के डाइऑक्साइड्स एसिडिक नेचर के होते हैं, वहीं टिन और लेड के डाइऑक्साइड्स एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। इसके बाद हमने ग्रुप 14 एलिमेंट्स के कुछ कॉमन रिएक्शंस के बारे में पढ़ा, जिसमें ग्रुप 14 के एलिमेंट्स एयर या फिर कहें ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमें 2 तरह के ऑक्साइड्स देते हैं। ग्रुप 14 के एलिमेंट्स स्टीम के साथ रिएक्ट करके हमें ऑक्साइड्स और हाइड्रोजन गैस देते हैं। लेड पर लेड ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर बनने के कारण लेड स्टीम के साथ रिएक्ट नहीं करता है। कार्बन के अलावा ग्रुप 14 के एलिमेंट्स बेस के साथ रिएक्ट करके हमें Na2EO3 टाइप्स के सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देते हैं। वहीं अगर हम ग्रुप 14 के एलिमेंट्स की रिएक्शन HCl के साथ कराते हैं तो कार्बन और सिलिकन को छोड़कर बाकी एलिमेंट्स डाइक्लोराइड्स और हाइड्रोजन गैस देते हैं। वहीं अगर हम इन एलिमेंट्स की रिएक्शन H2SO4 के साथ कराते हैं तो कार्बन और सिलिकन को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स हमें सल्फेट सॉल्ट्स के साथ साथ हाइड्रोजन गैस देते हैं। इन कंपाउंड्स की हैलोजन के साथ रिएक्शन कराने पर ये 2 तरह के हैलाइड्स देते हैं, जिसमें एक डाई हैलाइड्स होते हैं और दूसरे टाइप के हैलाइड्स होते हैं टेट्रा हैलाइड्स। अब तक पढ़े हुए कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं।